हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा मेरी अज दी वीडियो दे विच। आपां केड़ा चैप्टर कर रहे सी? पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स दे विच आपां लास्ट वीडियो दे विच डिस्कस कीता सीगा पॉलीनोमियल्स दीआं डिग्रीज़ बारे, जिवें लीनियर डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक डिग्री होगी ते क्यूबिक डिग्री होगी। ते नाल ही आपां 2.1 एक्सरसाइज डिस्कस कीती सी, जिहदे विच आपां देखे सी ग्राफ। ग्राफ की जेकर ग्राफ एक्स जिहड़ा ग्राफ है एक्स एक्सिस नूं जिन्ने नंबर ऑफ टाइम इंटरसैक्ट करूगा जां कट करूगा उन्नियां नंबर ऑफ उहदियां की होणगियां, जीरोज़ होणगियां। ठीक है, तो अज आप डिस्कस करांगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनोमियल, ते नाल ही 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करांगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे नाल आपां समझांगे। पहला अपने कोल एग्जाम्पल आ 2x² -8x+6। तो इहदे विच स्टार्ट करन तो पहला आपां ने जिहड़ी मिडल टर्म है उहनूं सपलिट करना है, टू नंबर्स दे विच सपलिट करना है, ऐड करके जां सबट्रैक्ट करके अपने कोले की आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ते नाल ही उन्हां दोनों नंबर्स नूं मल्टीप्लाई करके अपना 12 आना चाहिए। 12 किवें? जिहड़ा अपना फस्ट एक्स स्केयर दा कोफिशिएंट है ते लास्ट अपने कोले नंबर आ, दोनों नूं मल्टीप्लाई करके किन्ना आ रहा? 12 आ रहेगा। ते इसे हुण जिहड़ी आपां मिडल टर्म सपलिट करांगे ओ कि -8 है, हुण ओ जिहड़ी -8 हैगी प्लस जां माइनस करके अपने कोले दो नंबर्स नूं प्लस जां माइनस करके -8 आना चाहिए, इन्हां दोनों नंबर्स नूं ही मल्टीप्लाई करके अपने कोले की आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो आपां इहे जे दो नंबर देखदे हां कि जिन्हां नूं मल्टीप्लाई करके 12 आवे, तो अपने कोले माइनस या प्लस करके 8 आवे। यह दो नंबर अपने कोले किहड़े बनदे नेगे? 2 ते 6 बन रहे नेगे। देखते हैं कि आप 2 लईए, जे -6 लईए आंसर की आ रहा अपने कोले? -8 -, प्लस 6 प्लस 2 8, कादा साइन हैगा माइनस का। तो इस नंबर्स नूं जे आप मल्टीप्लाई करिए ता किन्ना आ रहा अपने कोले? 12 का दा आ रहा है, प्लस दा आ रहा है। तो अपने कोले दो नंबर केड़े आ गए जी सपलिट करके? -2 एंड -6। तो ये इक्वेशन आप किवें लिखांगे? 2x² -2x -6x -2x -6x उस तो बाद प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखांगे। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दोनों चों आपां ने कॉमन कढ़ने हैं, इन्हां दोनों चों। ठीक है, इन्हां दोनों चों कॉमन की आ रहा? एक 2 आ रहा है, एक एक्स आ रहा है। तो आप 2x कॉमन ले लिया, विच की रह जूगा? एक्स रह जूगी कली, क्योंकि 2x तो आप बाहर कढ़ लिया, एक्स अंदर रह गई, इत्थे की रह जू? 2x आप बाहर कढ़ ली, 1 रह गए कला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ 6 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, 6 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਐਕਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜੂ, ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇਗੇ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਮਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ 2x ਮਾਈਨਸ 6 ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? 0 ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਔਰ 2x ਮਾਈਨਸ 6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2x ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ? 3। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ 3 ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 1 ਅਤੇ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਜ਼ੀਰੋਜ਼।
सम ऑफ जीरोज़ एक जीरो यह है कि इन्हों दोनों का सम कर देंगे अपने को की आ गया फोर आ गया। तो इन्हों की प्रोडक्ट करिए जी आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ तो वह अपने को वन इंटू थ्री की आ गई थ्री। ठीक है, एक अपने को सम ऑफ जीरोज़ फोर आ रहा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो थ्री आ रहा। जे अपने सीधा इक्वेशन तो देखना हो इक्वेशन की है अपने को टू एक्स स्केयर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स यह अपने को इक्वेशन है। तो जे आप देखनी हूँ पहला अपने को सम ऑफ जीरो फोर आ रहा तो प्रोडक्ट की आ रहा थ्री। तो सम दा की फॉर्मूला जे होर तरीके नाल कढ़ीए आप इक्वेशन तो ही कढ़ीए सीधा तो देखना होता माइनस चेक करना हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन च कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। हूँ माइनस कोएफिशिएंट एक्स का की है एक्स का कोएफिशिएंट जिहड़ा अगे है माइनस एट अपॉन च एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट की है टू। माइनस माइनस की हो गए प्लस एट अपॉन टू टू दे टेबल च एट किन्ने ते आ रहा फोर ते। तो अपने को फस्ट तो आ गई करैक्ट सम दे लई सी जिहड़ी हुण प्रोडक्ट दे लई देखिए जे इहदे विच की है कॉन्सटेंट टर्म अपॉन च कोएफिशिएंट एक्स स्केयर दा कॉन्सटेंट टर्म वह आ जिदे नाल कुछ भी नहीं लग्या होया मतलब सिंगल नंबर हैगा सिंगल नंबर इक्वेशन च सिक्स आ। तो सिक्स कोएफिशिएंट एक्स स्केयर दा की हैगा टू अपने कोले आंसर की आ गया थ्री आ गया। तो अपने कोले जे चेक करना हो भी अपने को सही आ रहेगा फोर तो एक थ्री। जे आप पूरा जीरोज़ कढ़ के इन्हों का सम तो प्रोडक्ट करिए अपने भी को फिर भी की आ रहा फोर तो थ्री। ठीक है, इन जनरल जे आप अल्फा ते बीटा जीरोज़ ले लिए किसी इक्वेशन दिया ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यदिया जीरोज़ नहीं है अपने को अल्फा ते बीटा यदि जीरोज़ नहीं है तो जोड़ा जीरोज़ का सम हो वह इक्वल हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉनच ए। आप पढ़िया सम ऑफ जीरोज़ जीरोज़ का सम किया उस तो बाद माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉनच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, उस तो बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की सी कॉन्सटेंट टर्म अपॉनच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर। ठीक है, यह दो अपने को अगे यूज़ होंगे। हुण नैक्सट पार्ट दे विच मैं अपनी 2.2 एक्सरसाइज़ कंटिन्यू करूँगी। इस वीडियो दे विच तुसी थोड़ा जिहा समझो ट्राई करके देखियो खुद सम ते अगले वीडियो दे विच मैं एग्जाम्पल्स भी करवाऊँगी ते एक्सरसाइज भी करवाऊँगी। थैंक यू सो मच।